सब परेशानी है, परेशानी है आपके लिए, मट्टी नहीं है यहाँ पर और पानी नहीं है। मुहर्रम के लिए तो सबको पानी नहीं मिलता जी, 10 मुहर्रम के लिए हमें पानी नहीं मिलता, पानी नहीं है, परेशानी ये है, वजू करने का कोई इंतजाम नहीं है जी। तो पहले यहाँ पर वाटर पंप थे, एक नलका लगा हुआ था, वो पानी लगे वो, अच्छा नहीं थे, एक लगाया था सही को नहीं पानी, सही नहीं। अच्छा जी, एक वाटर पंप लगा हुआ था वो भी नहीं देता पानी, पानी वो। अच्छा जी, तो आज 5 मुहर्रम हो गई है यहाँ इस कब्रिस्तान में। देखें आपको कहीं से कोई आदमी अपने प्यारों के पास इन कब्रों की लिपाई करने के लिए नज़र नहीं आ रहा, क्यों? सिर्फ वजह यही है पानी नहीं है यहाँ पर, पानी की किल्लत है, पानी नहीं मिलता इन लोगों को। अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं लिपाई करने के लिए, मट्टी नहीं है, मट्टी नहीं मिलती, ये रेत का इलाका है। तो कितने डंपर लग जाएंगे यहाँ मट्टी के? आया रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा, या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का बुला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। तो आज मैं मौजूद हूँ एक कब्रिस्तान में, ये भी हमारे भाई बहन जहाँ पर सोए हुए हैं, ये आखिरी आराम गाह है इनकी। हमने भी ये दुनिया छोड़ जानी है, ये दुनिया फानी है, हमारी भी आखिरी मकाम, आखिरी आराम गाह यहीं होगी। आज ये हमारे लिए ये इबरत की जगह है, इबरत का मकाम है ये। तो आज मैं मौजूद हूँ इन कब्रिस्तान में, इस मस्जिद के पास। यहाँ पर हमें इन लोगों का, इन मेरे भाइयों का, बुज़ुर्गों का रिक्वेस्ट है, अपील किया है इन्होंने, यहाँ पर वाटर पंप नहीं है पानी के लिए। जैसा कि आपको मालूम है मुहर्रम अल हराम का महीना है ये। इस महीने में हज़रत हसन हुसैन को शहीद किया गया था, पानी की कमी थी, पानी नहीं दिया गया था उनको। तो हम ये नहीं चाहते कि इस महीने में पानी की तंगी हो, पानी ना मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस मंथ में मुहर्रम अल हराम में हज़रत हसन हुसैन के सदके वाटर पंप लगवाए जाएं, सबीलें चलाई जाएं, आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए पानी का वसी इंतज़ाम हो। तो इस कब्रिस्तान में हमें वाटर पंप की ज़रूरत है, वाटर पंप नहीं है यहाँ पर। इन मेरे भाइयों का, बुज़ुर्गों का कहना है 10 मुहर्रम को इन कब्रों के ऊपर जो पानी डालते हैं, पानी के लिए मुश्किल होती है, पानी नहीं मिलता। ये थल का इलाका है, रेगिस्तान का, यहाँ वैसे भी पानी की किल्लत है और यहाँ पर वाटर पंप नहीं है। इन कब्रों की लिपाई करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और मट्टी नहीं है। कुछ कब्रें यहाँ पर पक्की हैं सीमेंट की, तो कुछ अक्सरियत यहाँ पर कच्ची कब्रें बनाई हैं, मट्टी की कब्रें बनाई गई हैं। तो इनको ताज़ा करने के लिए मट्टी की ज़रूरत होती है, यहाँ पर रेत है, मट्टी नहीं है। इन मेरे भाइयों की यही रिक्वेस्ट है, वाटर पंप इस कब्रिस्तान में लगा दिए जाएं, ताकि 10 मुहर्रम को भी आसानी हो जाए लोगों को जो यहाँ अपने प्यारों के पास आते हैं, और इनकी लिपाई करने के लिए पानी नहीं मिलता वो भी आसानी हो जाए। आप इन बुज़ुर्गों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? तो नलके चाहिए जी, सब परेशानी है, परेशानी है आपके लिए, मट्टी नहीं है यहाँ पर और पानी नहीं है। मुहर्रम के लिए तो सबको पानी नहीं मिलता जी, 10 मुहर्रम के लिए हमें पानी नहीं मिलता, पानी नहीं है, परेशानी ये है, वजू करने का कोई इंतजाम नहीं है जी। तो पहले यहाँ पर वाटर पंप थे, एक नलका लगा हुआ था, वो पानी लगे, अच्छा नहीं थे, एक लगाया था सही को नहीं, पानी सही नहीं। अच्छा जी, एक वाटर पंप लगा हुआ था वो भी नहीं देता पानी, पानी वो। अच्छा जी, तो आज 5 मुहर्रम हो गई है यहाँ इस कब्रिस्तान में। देखें आपको कहीं से कोई आदमी अपने प्यारों के पास इन कब्रों की लिपाई करने के लिए नज़र नहीं आ रहा,
क्यों? सिर्फ वजह यही है, पानी नहीं है यहाँ पर, पानी की किल्लत है, पानी नहीं मिलता इन लोगों को। अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, इनके कब्रों को नया करने के लिए, लेपा जो हम कहते हैं, लिपाई करने के लिए मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं मिलती, ये रेत का इलाका है। तो कितने डंपर लग जाएंगे यहाँ मिट्टी के? चार डंपर मिट्टी के चाहिए तो 8000 रुपए का तकरीबन एक डंपर मिलता है। और 3-4 वाटर पंप लग जाए यहाँ पर, जो आते हैं अपने प्यारों के पास लोग, उनके लिए भी आसानी हो जाए। पानी कब्रों के ऊपर डालते हैं, 10 मुहर्रम को पानी नहीं होता। तो इन मेरे भाइयों की, बुज़ुर्गों की रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आज 5 मुहर्रम हो गई है, इस कब्रिस्तान में कोई आदमी नज़र नहीं आता। सिर्फ वजह यही है, पानी नहीं है। नहीं तो पानी मिल जाता तो आवाम अपने प्यारों के पास ज़रूर आते हैं इनके कब्रों की मरम्मत करने के लिए, सफाई, पानी डालने के लिए। तो मैं अपील करूँगा इस मुहर्रम अल हराम में पानी की कमी को दूर किया जाए। हज़रत हसन हुसैन के सदके हमें इस कब्रिस्तान में वाटर पंप चाहिए, वाटर पंप नहीं है, पानी की किल्लत है। तो आएँ इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वाटर पंपों की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है, दुआओं में याद रखना है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। तो इस मुहर्रम में आपको यहाँ पर वाटर पंप लगवा दिए जाएँ, ताकि जी ताकि जो लोग आते हैं यहाँ अपने प्यारों के पास, उनके लिए पानी की किल्लत दूर हो जाए, पानी इस कब्रिस्तान में मुहा हो जाए उन लोगों को, और वो मट्टी गारा वगैरह बनाकर जो कब्रों की लिपाई करते हैं वो भी उनको मिल जाए, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक हजरत हसन हुसैन के सदके इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। तो तब तक लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं।